हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जब आप विंडोज इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको कई बार ये एरर देखने को मिलता है कि ये मीडिया ड्राइवर योर कंप्यूटर नीड इज मिसिंग। तो ये आपको एरर कैसे फिक्स करना है, चाहे वो आपका लैपटॉप लेनोवो का है या फिर आपका कोई भी किसी भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, तो ये एरर आप इजीली फिक्स कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसा बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर किसी भी विंडोज में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है जो आपका पेन ड्राइव है ये प्रॉपर बूटेबल है या नहीं है, कोई इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो आपको मेक श्योर करके रखना है कि आपका जो ये पेन ड्राइव है वो प्रॉपर बूटेबल होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक पोर्ट पर कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो पोर्ट दिख रहे हैं आपको यूएसबी का, एक तो ये वाला है और एक ये। जब हमने ये वाले पोर्ट से इसको इंस्टॉलेशन लगाया था तो यहाँ पर ये एरर आ गया। अभी आपको क्या करना है, इसका जो पोर्ट है ना वो चेंज करके देखना है। ठीक है, जो ये पोर्ट है ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पेन ड्राइव निकाल देंगे और इसमें इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये करके देखना है कि पोर्ट चेंज करके देखना है, मतलब कि आपका अगर 2.0 यूएसबी में लगा है तो उसको आपको 3.0 वाले में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो आप पोर्ट चेंज करके आपको ये करना है। जैसे कि मैंने अभी पोर्ट चेंज कर दिया है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको एक बार कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहां पर इसको भी कैंसिल कर देंगे। यहां पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। अभी यहां पर आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है जैसे आपने पहले किया होगा। यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपको कस्टम सिलेक्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपको एरर आ रहा था मीडिया मिसिंग का, अभी वो एरर नहीं आ रहा है। ये हम लोगों ने पोर्ट चेंज किया तब ये हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको वो कैसे ठीक करना है, कैसे उसको फिक्स करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।